हेलो दोस्तों, जीनियस हेल्थ में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने फिर से इस बार एक और बड़ा धमाका किया। मजदूरों को और नीचे पोस्ट वाले लोगों की सैलरी को बढ़ा दिया है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाली है। केंद्र सरकार ने परिवर्तन महंगाई भत्ते में संशोधन करके असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। केंद्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के अंतर्गत भवन निर्माण, लोडिंग अनलोडिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। न्यूनतम मजदूर दर को कौशल स्तर, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के साथ साथ भौगोलिक लेवल A, B और C के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। निर्माण, झाड़ू लगाने वाले को, सफाई कर्मचारी को, लोडिंग करने वालों को और अनलोडिंग में अकुशल कार्य करने वाले के लिए न्यूनतम मजदूर दर 783 रुपये प्रति दिन, यानी कि एक महीने में होगा 20,348 रुपये प्रति माह इनकी पेमेंट आएगी। और लेवल बी वालों के लिए 863 रुपये प्रति दिन मिलेंगे, यानी कि महीने में होंगे 22,563 रुपये प्रति माह। कुशल लिपिकीय एवं शस्त्र रहित चौकीदारों के लिए 954 रुपये प्रति दिन, यानी कि 24,804 रुपये प्रति माह किए गए हैं। और उच्च कुशल लेवल सी वालों को शास्त्र सहित चौकीदारों के लिए 1,035 रुपये प्रति दिन, यानी कि 26,910 रुपये प्रति माह होंगे। बता दें कि केंद्र सरकार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 6 महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से VDA में संशोधन करती है। चलिए इसी तरह से हमारे अब झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों को और सफाई करने वाले कर्मचारियों को, लोडिंग अनलोडिंग करने वालों को, मजदूरी करने वालों को, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, कृषि कार्य, खनन वालों को सबको ऑफर, सुनहरा ऑफर मिला है दिवाली के उपलब्ध में। उनकी भी सैलरी अच्छी खासी हो गई है। अब अगर आपको इसी, हम अपने मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। इसी तरह का आपको अपडेट पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।